दोस्तों आज हमारे पास 40 इंच का टीवी रिपेयर होने के लिए आया है। तो इसमें ये कलर बार की प्रॉब्लम है, तो आज हम देखेंगे ये क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे फिक्स होगी। तो दोस्तों इसमें पांडा 385L जो पैनल है वो यूज़ किया हुआ है। तो मोस्टली इस पैनल में क्या होता है कि साइड कॉफ जो लगे होते हैं उनमें से VGH और VGL में से एक सप्लाई मिस हो जाती है, तो तभी ये ऐसी प्रॉब्लम शो करता है। तो हम सबसे पहले PCB पर वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे VGH और VGL वोल्टेज हैं जो प्रेजेंट है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर VGL लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे -6.2 वोल्टेज हैं जो बन रहे हैं, यानी कि VGL है जो आपकी वोल्टेज है जो सही है। तो अब हम VGH चेक करेंगे, तो देखिए दोस्तों VGH वोल्टेज भी बन रहे हैं। तो अब हमने इसका बेजल निकाल लिया है और इसे हम पैनल इस पैनल को उल्टा करेंगे ताकि हमें ये साइड को हमें वोल्टेज चेक करने में कोई परेशानी ना आए। तो हमने इसको उल्टा कर लिया है। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो कॉफ होता है इसका एक नंबर लिखा होता है, आप नंबर को इंटरनेट पर सर्च मार लें और आपको वहाँ पर इसकी सभी पिन आउट्स मिल जाएंगी, कौन सी पिन पर कैसे वोल्टेज आएंगे। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम इसका बना लिया है, तो हम उन दोनों पॉइंट को ब्लेड की मदद से स्क्रैच कर लेंगे और वहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे कौन से वोल्टेज प्रेजेंट हैं और कौन से मिस हैं। तो ये जो है आप सावधानी से करें, ये कॉफ हो जो बहुत ही नाजुक से होते हैं। तो हमने इन दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से स्क्रैच कर लिया है। तो अब हम मीटर की मदद से यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये जो हमने लिख लिया है वैसे ही हम VGH वोल्टेज और VGL वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे VGL वोल्टेज। तो देखिए दोस्तों, हमारे 6.2 माइनस वोल्टेज जो प्रेजेंट है, VGL वोल्टेज ओके हैं और VGH वोल्टेज चेक करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, VGL वोल्टेज हैं जो हमारे वो इधर थोड़े से आ रहे हैं, यानी कि VGH वोल्टेज हैं जो वो मिस हैं। तो हम VGH वोल्टेज यहाँ से चेक करेंगे। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर बन रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, VGH को यहाँ से उठाकर यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये कम आ रहे थे, जहाँ पर होने चाहिए VGH पर, वहाँ पर हम जम्पर लगा देंगे। तो दोस्तों अब हम जम्पर लगाएंगे, तो आप अच्छी तरह से इस पॉइंट को साफ कर लें और ध्यान रहे दोस्तों, इसका दूसरे पॉइंट से शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इस पर हम पेस्ट लगा लेंगे और इस पॉइंट को सोल्डर कर लेंगे ताकि हमें जम्पर लगाने पर कोई परेशानी ना हो। यह हमने सोल्डर कर लिया, तो अब हम इस पर जम्पर वायर लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने जम्पर कॉफ की तरफ से है जो लगा लिया है। अब हम PCB पर जहाँ पर VGH लिखा हुआ है वहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने जो जम्पर है VGH पर लगा दिया। अब हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमने LED को ऑन किया, तो देखिए दोस्तों हमारा फॉल्ट है जो क्लियर हो चुका है। अब हम आपको वहाँ पर वोल्ट चेक करके बताएंगे कि हमारे जो VGH वोल्टेज मिस थे वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर VGH वोल्टेज हैं जो प्रेजेंट हैं, तो हमारा फॉल्ट है जो क्लियर हो चुका है।
अब हमारी जो जम्पर वायर है उसको टेप की मदद से पैनल के साइड साइड पर लगा लें, जैसे हमने लगा लिया है ये देखिए। तो अब हमने टीवी को फिट कर लिया है और फिर से आपको एक बार चलाकर दिखाते हैं कि हमारा फॉल्ट है जो क्लियर हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।